हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग CBSE एंड UP बोर्ड क्लास 12th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर सेकंड जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है उसे कंप्लीट कराया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। जैसे ही मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी दो लेक्चर दिया हुआ है जिसमें मैंने बहुत से ग्राफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स यानी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन है इनवर्स के उनका कंप्लीट कराया है, तो आप उससे भी देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो आज हम पढ़ेंगे उससे थोड़ा आगे, जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो कुछ समझेंगे कंसेप्ट। तो हम क्लास के दौरान अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे एक अच्छे से कोट से जो कि हमारे प्रिय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के महान साइंटिस्ट और राष्ट्रपति थे, और उनके हम इस वर्ड्स को अपने जीवन में उतारें और कुछ सीखें और अपने आप को मोटिवेटेड हमेशा रखें। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। ऑल ऑफ अस यानी हम सब में एक इक्वल टैलेंट्स नहीं है। कोई बच्चा किसी फील्ड में ज़्यादा तेज होता है, जैसे मैथ पढ़ने में तेज है तो कोई बच्चा साइंस में तेज है, कोई बच्चा बिजनेस के माइंड्स में तेज है, वो आइडिया बहुत बढ़िया लगाता है। हर एक बच्चे की अपनी अलग क्वालिटी है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी सेम है, यानी हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी सेम है। आपको मौका मिला है कि आप जितने टैलेंट्स हैं उस टैलेंट को आप डेवलप कर सकते हो, तो आप हमेशा अपने आप को टैलेंट बनाने के लिए यानी टैलेंटेड बनने के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज सोचते रहो और अवसर का यूज करो। यानी जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी का यूज करो और अपने अंदर कुछ नए खूबियाँ और टैलेंट्स डेवलप करो जिससे कि आपका क्रिएटिविटी बढ़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। देखिए आज हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले क्लास में हमने बात क्या किया था कि हमने जो ग्राफ होते थे साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, उन ग्राफों को समझा था कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका रेंज क्या होगा, ये सब बातें हमने की थी। और हम उसमें देखते थे कि डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूँ साइन एक्स की, वाई इजकल टू साइन एक्स, ठीक है। अब इसका इनवर्स अगर हम लेते हैं तो साइन इनवर्स वाई इजकल टू एक्स, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए वाई की वैल्यू क्या क्या आप ले सकते हो, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर तो भाई रियल नंबर में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आएगी -1 से 1 तक, ठीक है। आप इस वाई को रिप्लेस भी कर सकते हो एक्स से, ठीक है, क्योंकि ये तो भाई कोई नंबर होगा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, एक्स को वाई, वाई को एक्स कर दिया, ठीक है। तो भाई ये जो एक्स की जो आप यहाँ पर इनपुट दोगे ना, ये -1 से 1 के बीच में, क्योंकि इसका आप ग्राफ जानते हो, ग्राफ क्या होता है -1 से 1 के बीच में। लेकिन जो यहाँ पर वैल्यू आएगी यानी वाई की जो वैल्यू आएगी वो पाई में यानी रेडियंस में आएगी, तो उस रेडियंस को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अलग अलग ग्रुप, जैसे -π/2 से π/2 तक, ठीक है। ये होता था एक, इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते थे, क्या बोलते थे, प्रिंसिपल वैल्यू। इसी तरह आप दूसरे ग्रुप में भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते थे, वो क्या होगा, देखो साइन पहले वाले में पॉजिटिव होता है, दूसरे वाले में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन पहले और चौथे में निगेटिव होता है। तो हम बोल सकते हैं एक बार हम -π/2 से तो π/2 ले लिया, अब एक बार हम ले लेते हैं π/2 से 3π/2 के बीच में, क्योंकि अगर आप π/2 से पाई तक जाओगे यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन 3π/2 में जाओगे यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये अलग अलग हम डोमेन को बांध देते थे, क्यों बांधते थे आप समझ रहे हो, क्योंकि ये इनवर्स नहीं शो करता था, क्योंकि इनवर्स शो करने के लिए फंक्शन को 1-1 और 1-2 होना बहुत ज़रूरी। जैसे आप देखो, जैसे आप साइन 90 देखते हो ये 1 होता है, ठीक है। तो फैन कुछ समय बाद जाओगे यहाँ पर आएगा 5π/2, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो 90 हो जाएगा, इसीलिए हमने डोमेन को बांध देते हैं, यानी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके हम निकालते थे इनवर्स। इसी प्रकार जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन होगा, जो आपके ये है ना π/2, ये सब भी रेस्ट्रिक्टेड आएंगे प्रिंसिपल वैल्यू वाले बस, ठीक है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू को टेक करके हम करेंगे। जैसे अभी आप देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा उसको समझेंगे, तो आप याद रखिएगा इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू को मतलब लेना है, ठीक है, जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपने पढ़ा था ना कि डोमेन्स ये होगा और रेंज ये होगा, तो उसी तरह इस प्रॉपर्टीज़ में भी सोचना है। ये नहीं कि प्रॉपर्टीज़ में आप सभी जितने π/2 ये सब आ रहे हैं सबको ले लो, नहीं, सभी रियल नंबर नहीं लेना है, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन लगा था उसी रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग सोचना है, मेनली प्रिंसिपल वैल्यू को लेकर, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको मालूम ही क्या होता है,
जैसे यहाँ पर कोई लिख दिया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, मेरा इनपुट होगा। अगर मान लो मैं एक्स की वैल्यू वन लेता हूँ, ये इनवर्स है, तो वन किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स ये आपस में आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या पाई बाई टू। तो आपका रेंज क्या आया, पाई बाई टू ना, तो रेंज को हम रेस्ट्रिक्ट करते थे इनवर्स वाले में, तो यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। अगर इसमें बात करोगे तो ये वाला रेस्ट्रिक्ट करते थे, ठीक है। तो बात समझने का प्रयास करिएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो सबके लिए अलग अलग है, इनवर्स वाले के लिए, जैसे साइन इनवर्स का ये प्रिंसिपल वैल्यू है, जिसमें वो अपना सभी वैल्यू शो कर देगा, प्लस वाला पार्ट भी माइनस वाला पार्ट भी, ठीक है। और ये वन वन होगा और इसमें अन टू फंक्शन होगा, ठीक है, बातें क्लियर। तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एक एक करके। अरे बच्चों, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए साइन इनवर्स वन बाई एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स शो करिए, यानी ये चीज़ें इसके बराबर होगी। अभी मैंने बताया था कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये वन से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, या माइनस वन से छोटी होगी या माइनस वन के बराबर होगी। ये क्यों लिखा गया, क्योंकि आप ग्राफ इसका पढ़े थे, किसका, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको याद होगा, तो कुछ आइडिया आप बताओगे, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ से आप समझोगे कि जो वैल्यू होती है वन से बड़ी जाती है और माइनस वन से छोटी जाती है, ठीक है। अब उसमें हम लोग भी क्या करते थे कि जो इसका रेंज आता था उसको रेस्ट्रिक्ट करते थे, रेस्ट्रिक्ट मतलब आपको मालूम है, बांधते थे। जैसे साइन का भी मैंने बताया था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जो प्रिंसिपल वैल्यू है, तो ये कॉसेक इनवर्स एक्स का भी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा उसी के लिए ये वैलिड है, ठीक है, उसी के लिए हम कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो आप एक बार प्रिंसिपल वैल्यू देख सकते हो अपने बुक में क्या है, ठीक है। अब देखो कैसे इसको करेंगे, तो देखो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्सिस मालूम है, इनवर्स मतलब उल्टा, तो ये इधर चला जाएगा, तो कॉसेक वाई, समझ रहे हो ना, नीचे आया फिर इधर गया। अब जैसे बेसिक थोड़ा सा आप हल्का फुल्का जानते हो अलजेब्रा, उससे आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। एक्स इनवर्स का मतलब वन बाई एक्स, अब उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू टू एक्स, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा मोड़ा आइडिया आप लगा सकते हो कैसे हुआ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कॉसेक जगह हम क्या लिखेंगे, वन बाई साइन वाई, ठीक है, बातें क्लियर। एक्स की वैल्यू वन बाई साइन वाई, ठीक है। अब आप इस साइन वाई के ऊपर भेज दो, तो साइन वाई इक्वल टू वन बाई एक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ से वाई की वैल्यू अगर मैं रख दूँ, वाई की वैल्यू क्या होगी, तो वाई की वैल्यू कॉसेक इनवर्स एक्स दिया है, तो अगर मैं यहाँ से साइन हटा दूँ तो काम बन जाएगा। तो देखो साइन मैं हटाने के लिए क्या करूँगा, साइन इनवर्स इधर लगाऊंगा, तो जो काम मैंने इधर किया वो काम इधर करना पड़ेगा, क्योंकि नेचर पे इफेक्ट न पड़े, यानी इक्वालिटी बना रहा है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई एक्स, ठीक है। तो आपकी इतनी तो चीज़ें आ गई, लेकिन वाई की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर देखो कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई एक्स, ठीक है, बात समझ गए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि कॉसेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू था उसी के लिए ये है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन से, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका आइडिया मालूम होगा कि कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या लेते थे, वन या वन से बड़ा आता था, ठीक है। आप देखोगे ना, जब हम ये लिखते हैं वाई इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो होती है कुछ, अगर आप वैल्यू ले रहे हो, देखो मान लो कॉस 45 ले रहा हूँ, मैंने 45 लिया, ठीक है, तो कॉसेक किसका उल्टा था, साइन का ना, तो वन बाई साइन 45 हो जाएगा, पाई बाई 4 को हम 45 बोलते हैं, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, रूट टू पर जाएगा, और रूट टू की वैल्यू 1.4 के बराबर होती है, यानी जब भी तुम लोग है ना, तो 1 से वैल्यू बड़ी आएगी 1 के बराबर, अगर निगेटिव पार्ट लेते हो तो माइनस 1 से छोटा आएगा। तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग आप आइडिया रखिएगा कि इसके लिए वैलिड है, और जो आपका वो आएगा यानी रेडियंस में जो वैल्यू आएगी पाई बाई 2 एंगल्स, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू में होगा, ठीक है। इसके लिए तो अब हमें क्या शो करना है, ये इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। तो आप जैसे इसको मान रहे थे ना, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पर आप लेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, सेक यहाँ पर आपको हो जाएगा सेक वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। क्यों होगा, आप समझ रहे हो बात को, अगर आपको यहाँ से इनवर्स हटाना है तो सेक यहाँ पे लगाओगे, सेक यहाँ पे लगाओगे, लगाओगे तो सेक सेक इनवर्स गायब हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू सेक वाई, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक चीज़ देखो, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सेक वाई का मतलब होता है वन बाई कॉस वाई इक्वल टू एक्स, अब इसको इधर भेज दो, इसको नीचे लेते हो, यानी कॉस वाई इक्वल टू वन बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहते हो कि ये कॉस हट जाए, क्योंकि वाई की वैल्यू तो मुझे मालूम है, तो कॉस हटाने के लिए क्या करोगे, कॉस इनवर्स इधर लगा दो, ठीक है, तो कॉस इनवर्स इधर भी लगा दो, ठीक है, ये कॉस इनवर्स कॉस गायब हो जाएंगे आपस में, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स वन बाई एक्स, ठीक है। अब वाई की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, तो वाई की वैल्यू ये होगी, तो हम फाइनली बोल सकते हैं सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई एक्स, ठीक है।
तो आप बातें समझने का ज़्यादा प्रयास करिए कि कैसे हम सॉल्यूशन को ला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आइडियाज़ डेवलप होने ज़रूरी हैं। ठीक है, हमने इसको लेट किया है, एक्स की वैल्यू सेक वाई आई, अब सेक वाई को मैंने ऐसे किया वन बाई कॉस वाई, अब इसको मैंने इधर इसको नीचे भेजा, अब मुझे कॉस को हटाना है क्योंकि मुझे मालूम है वाई की वैल्यू ये होती है क्योंकि वाई यहाँ पर दिख रहा है ऐसे इन्वर्स, तो इसको हटाओगे तो इधर इन्वर्स लगाओगे कॉस का, इधर कॉस का इन्वर्स। ठीक है, और ये भी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए वैलिड है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू कॉस का क्या होता है, जीरो से पाई तक होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो बातों को, और ये वाली वैल्यू यहाँ से आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लिखा है ना, तो ये जो चीज़ें हैं सिर्फ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए वैलिड है। यार यहाँ पे जो वैल्यू होगा एक्स का वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी ये चीज़ें इसके बराबर होंगी, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कॉट इनवर्स एक्स है ना प्यारे बच्चों, इसको आप वाई मानिएगा, जैसे ही आप वाई मानोगे तो एक्स निकालना है तो कॉट इनवर्स इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट वाई, क्योंकि आप इनवर्स हटाना है तो कॉट इधर लगाओगे, कॉट इधर लगाओगे तो कॉट वाई हुआ। ठीक है, अब आप पढ़े होगे कॉट वाई इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, वन बाई टेन वाई। अब आप एक्स को नीचे ला दो, वन बाई एक्स। ठीक है, अब आप देखो क्या करना है कि आपको यहाँ से टेन हटाना है, टेन हटाना है तो टेन इनवर्स इधर लगाओ। ठीक है, टेन इनवर्स इधर लगा दो। ठीक है, बातें क्लियर? तो ये टेन से टेन दोनों गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई एक्स। ठीक है, तो अब वाई की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो y की वैल्यू आपकी क्या है, देखो यहाँ पर y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो y की वैल्यू रख दो कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई एक्स। ठीक है, अब कोई सोचेगा कि यहाँ पर तो सर जी जो टेन की हम वैल्यू लेते थे वो x की जो वैल्यू है तो सभी रियल नंबर आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये वैल्यू इसके बराबर तभी होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तभी ये वैलिड है। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिएगा, यानी डोमेन्स में जो था ना, तो डोमेन से में भी कुछ रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर हो गया है, कभी कभी सभी डोमेन्स पर ये फॉलो नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी तभी फॉलो करेगा। ठीक है, बातें क्लियर? आपने इसको प्रूफ समझा? देखो प्यारे बच्चों, अगर ऐसे दे दे साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, आपको शो करना, और एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस वन से लेकर वन तक है। ठीक है, ये एक्स आपका डोमेन। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, तो ऐसे जब क्वेश्चन आया ना, तो आप जो पहला वाला है साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसी को आप लेट कर लीजिएगा, लेट वाई के बराबर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से साइन इनवर्स आपको हटाना है तो साइन इधर लगाना पड़ेगा, एक साइन इधर लगाना पड़ेगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, अब आप साइन यहाँ से इधर करना चाहते हो तो इधर भेज दो, माइनस साइन वाई बोल सकते हैं ना भाई, इधर में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस बना, फिर इधर से माइनस से करो तो माइनस साइन वाई हो गया कि नहीं भाई, मल्टीप्लाई आना चाहिए मुझे, मान लो ये माइनस हटाना है तो मल्टीप्लाई साइन से माइनस करो ना, इसमें हो जाएगा, ये इसमें माइनस से करो, ये आ गया। अब एक चीज़ आप पढ़े हो कि साइन माइनस एक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होता है कि नहीं, होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जो ये साइन है ना, इस साइन को हम हटाएंगे, तो साइन को जैसे ही हम हटाएंगे तो क्या होगा, इधर साइन इनवर्स लगाओगे तो इधर भी साइन इनवर्स लगाओगे, तो फाइनली बनेगा क्या, साइन इनवर्स एक्स। अब इधर जैसे ही साइन इनवर्स लगाओगे तो ये साइन इनवर्स और ये साइन गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस वाई बचेगा। ठीक है, तो माइनस वाई बचा, तो अब वाई की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स, ये रही वाई की वैल्यू। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, हो गया, समझ रहे बात को, तो फाइनली आपका देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स है तो इस साइन को इधर भेज दो, यहाँ का माइनस हटाना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, देखो जब भी आपको माइनस हटाना हो, जैसे इस माइनस को हटाना है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो ना, माइनस वन से, माइनस माइनस प्लस, तो इधर माइनस एक बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ें आ गई कि नहीं, देख लो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो, थोड़ा थोड़ा आप मैचिंग थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा कि साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता था, साइन एक्स के बराबर। अब यहाँ पर क्या हो गया, इनवर्स आ गया है, तो उसी कहानी को थोड़ा इनवर्स में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ सकते हो आप, तो आप अब देखो यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स कैसे करेंगे, तो एक चीज़ देखो, आप इसको लेट करो, यानी लेट टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, इसी के बेस पर होगा। ठीक है, अब टेन इनवर्स हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, टेन से, तो टेन इधर लगाओगे तो इधर भी टेन आएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू टेन वाई रखा मैंने। ठीक है भाई, टेन इधर रखोगे तो गायब हो जाएगा था ना, तो माइनस एक्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो प्यारे बच्चों, माइनस
टेन वाई के बराबर। अब ये इम्प्लाइज क्या करेगा प्यारे बच्चों, एक्स इक्वल टू टेन माइनस एक्स पढ़े हो ना, टेन माइनस एक्स यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब चौथे नीचे, माइनस साइन है ना, तो टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसीलिए टेन माइनस एक्स क्या है, माइनस टेन एक्स है। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से हम टेन को हटाएंगे, तो टेन हटाने के लिए टेन इनवर्स लगाना पड़ेगा, तो टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से टेन इनवर्स ऐसे ही लगाओगे तो टेन गायब हो जाएगा, माइनस वाई। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप कोई साइन को हटा दो यानी माइनस को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, बचेगा वाई यहाँ पर। अब वाई की वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू क्या लिया था हमने, ये लिया था। ठीक है, तो फाइनली आपका आ गया माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, देखो y की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, y को एकदम ध्यान से देखिएगा, ये रहा, तो y की वैल्यू मैंने रख दिया टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x। ठीक है, आगे कि नहीं, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स सभी रियल नंबर के लिए। ठीक है, x की सभी रियल नंबर के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की सभी रियल नंबर लिखा था, इसके पहले क्या बोला था, x की वैल्यू ग्रेटर देन वन, कब, जब टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स वन बाई x था। ठीक है, इसके पहले जो मैंने प्रूव कराया था। ठीक है, तो आप देखो इसमें जो डोमेन्स है ना, वो सभी डोमेन्स के लिए कभी कभी नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको रेस्ट्रिक्ट भी लोग डोमेन में भी कर देते हैं, यानी सभी डोमेन के लिए डिफाइंड नहीं होता है कि ये चीज़ें इसके बराबर होंगी। ठीक है, तो बातें समझ रहे हो कैसे प्रूव करते हैं, जो अगर ऐसे आ जाए तो वही कहानी होगी पीछे वाली, किसको आपको लेट करना पड़ेगा, इसको लेट करिएगा। ठीक है, तो आप इसको खुद करिएगा ट्राई, आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे लेट करिएगा, आप क्या हटाना है समझ रहे हो ना, ये हटाना है कॉसेक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉसेक वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब क्या करोगे, अब यहाँ से इस कॉसेक कटाओगे तो क्या आएगा, वाई इक्वल टू ना तो ये भी। ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, आपको कुछ आइडिया लगेगा, आप समझ पाओगे। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इस माइनस को इधर लाते थे। ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, आपसे अब इस पर आप देख सकते हो कि एक्स की वैल्यू क्या है, जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स मतलब भाई जो अंदर है एक्स की वैल्यू, वो तो कभी भी पॉजिटिव आएगा, इसीलिए इक्वल टू वन या वन से बड़े पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि x निगेटिव भी होगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर x के अंदर मैंने निगेटिव लिखा माइनस टू, तो क्या माइनस टू के लिए नहीं होगा, होगा भाई, क्योंकि माइनस टू जैसे ही इसके अंदर डालोगे ना, तो माइनस टू पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बोला क्या है, वन से बड़ा होना चाहिए, तो होगा भाई, माइनस टू पे भी होगा। ठीक है, यानी वन से बड़ी पर और माइनस वन से छोटी वैल्यू पर हो जाएगी। देखो प्यारे बच्चों, इसको प्रूव करना है तो आप कर सकते हो, इसको भी आपको बस लेट इसी को करना है, जहाँ पर देखो जहाँ पे कम है ना उसी को लेट करो, यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो लेट करने में थोड़ा दिक्कत लग रहा है। ठीक है, इसको लेट करो। ठीक है, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, अब इनवर्स हटाना है तो आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, कॉस y इक्वल टू माइनस एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो माइनस साइन, हम इसे इधर भेज दिया माइनस कॉस y। ठीक है, अब कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो कोई बोलेगा कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, तब क्या बताओगे। ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू माइनस कॉस वाई आई बार बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई, पढ़े होगे इससे पहले वाले जो प्रूफ पढ़ाया था कॉस ए माइनस बी वाले में, कॉस ए माइनस बी, ए की वैल्यू पाई रखा और बी की वैल्यू वाई, तो वहाँ पे कॉस ए माइनस बी करोगे तो माइनस ये कॉस वाई आएगा। ठीक है, आप एक बार देख सकते हो, तो कॉस पाई माइनस वाई क्या होता है, माइनस कॉस वाई। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू जाएगी, क्योंकि अगर वाई एक्यूट एंगल होगा तो। ठीक है, तो इतनी लॉजिक लगा सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, इस कॉस को हटाना है, तो हटाने के लिए इनवर्स लगाएंगे, तो फाइनली ये क्या देगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस वाई, क्योंकि ये कॉस गायब हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कॉस इनवर्स एक्स वा। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब एक देखो आप क्या कर सकते हो कि आप y को इधर भेजो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या थी, तो y की वैल्यू आप देख लो कहाँ थी, ये रहा। ठीक है, तो इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखेंगे, x किसके लिए होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो बातें क्लियर हो गई, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, कितनी बातें क्लियर। ठीक है, तो आप इसको एक बार समझिए। अब देखो दूसरा चीज़ क्या दिया है, x की सभी रियल नंबर के लिए, यानी x की जो वैल्यू होगी ना, रियल नंबर होगा, माइनस वन माइनस टू ये सब चीज़ें होंगी, तो इसको भी करने के लिए जो छोट कम है तो उसी को लेट करो, तो लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, y इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स, जैसे मैंने ऊपर वाला किया वैसे इसको भी करना है, तो इनवर्स हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉट y हो जाएगा। ठीक है,
माइनस एक्स, ठीक है। अब ये माइनस साइन इसको दे दो, यानी इधर का माइनस हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, यानी माइनस कॉट वाई इजक्वल टू एक्स, ठीक है। अब माइनस कॉट वाई का मतलब क्या होता है, देखो तो कॉट पाई माइनस वाई, कॉट पाई माइनस वाई यानी कॉट एक्स अस्सी माइनस एक्स क्या होता है आपका, माइनस में आता है, यानी ये वाली चीज़ें ऐसे इंप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। आप समझ सकते हो कॉट सेकेंड कॉर्डिनेट में क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो पाई माइनस वाई, वाई की कोई वैल्यू होगी एंगल, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अब इस कॉट को हटाना है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस वाई इजक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, वाई को उधर ला दें तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इजक्वल टू वाई, ठीक है। अब वाई की वैल्यू क्या थी प्यारे बच्चों, तो देख लो यहाँ पर ये रहा वाई इजक्वल टू, यहाँ पर रख दीजिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स इजक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। बातें समझ गए कैसे हो रहा है, ठीक है। आप मैंने याद रखिए किसके लिए वैलिड है, एक्स की वैल्यू रियल। यहाँ पे क्या बोला है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इजक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको शो करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन, यानी जो एक्स की वैल्यू होगी ना वन से बड़ी होनी चाहिए, यानी वन हो या वन से बड़ी, लेकिन मॉड एक्स है ना तो एक्स के अंदर मैं माइनस टू रख दूंगा तो नहीं हो जाएगा, माइनस टू इसके अंदर रखो तो टू ही आएगा, तो इसीलिए ये भी बोल सकते हैं माइनस वन से छोटा या उसके बराबर या वन के बराबर या वन से बड़ा होना चाहिए। तो आप इसको खुद करिएगा, ट्राई कर सकते हो। किसको मानना पड़ेगा, इसी को वाई मानना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको वाई मान के अब क्या करना है, सेक इनवर्स हटाना है, लॉजिक एक्सेप्ट कर लीजिए माइंड में, कर सकते हो, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, अगर ऐसे आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू आपको शो करना है, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन से वन तक होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है आपको, ठीक है। और ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हैं सभी, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, आप लेट कर सकते हो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई के बराबर। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा प्यारे बच्चों, साइन वाई क्यों आएगा आप समझ रहे हो, अगर मुझे इस इनवर्स को हटाना है तो साइन इधर लगाना पड़ेगा, साइन इधर, तो साइन वाई, और साइन इधर लगाओगे तो साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब पढ़े क्या होगी, एक्स इजक्वल टू कॉस 90 माइनस वाई इजक्वल टू साइन एक्स, आप ये थोड़ा पढ़े हुए, कॉस 90 माइनस थीटा इजक्वल टू साइन थीटा, ये बातें आपको याद होगी, ठीक है। वो कैसे आया था आपको जानकारी होगी, कॉस ए माइनस बी के फार्मूले में ए की जगह पर पाई बाई टू और बी की जगह थीटा रख के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो मुझे यहाँ से कॉस हटाना है, तो कॉस मैं कैसे हटाऊँगा, इधर कॉस इनवर्स लगाऊँ इधर कॉस इनवर्स, तो फाइनली क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू माइनस वाई, अभी वाई की वैल्यू हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो वाई की जगह पे क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो फाइनली ये क्या इंप्लाई करेगा, ठीक है। अब इस माइनस को मैं इधर लेते आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इजक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है, तो आप समझ रहे हो बातों को कैसे करेंगे। अब ये भी याद रखिएगा, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस वन से वन के बीच में होगी, तभी वैलिड है, ठीक। इतनी बातें कंफर्म, और ये सभी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू आप समझे थे, ऐसे कि नहीं होता था, हम रेस्ट्रिक्ट करते थे तो उसमें आता था कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर ऐसे हमें दिया हो कि इसको आपको प्रूव करना है, यानी ये चीज़ें इसके बराबर दिखानी है, और एक्स की वैल्यू रियल नंबर होगा, आप रियल नंबर जानते हो क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो तो ये जो पहले वाला पार्ट है ना, टेन इनवर्स एक्स, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, ये वाई के बराबर है, ठीक है, बात क्लियर। अब मुझे यहाँ से टेन इनवर्स हटाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, टेन से, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन वाई, बात क्लियर, ठीक है। अब टेन वाई का आप एक फार्मूला भी पढ़े थे, टेन 90 माइनस थीटा इजक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। देखो मैं 90 वाला क्यों ही सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे 90 यहाँ पर लाना है, तो जो लाना है उसी के लिए हम सोचते हैं, ये भी याद रखिएगा भाई। टेन वाई को मैं कॉट भी मुझे चाहिए, मुझे कॉट की भी आवश्यकता पड़ेगी ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा इजक्वल टू टेन थीटा। तो मुझे कॉट की आवश्यकता थी, पाई बाई टू की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने ये लाया, ठीक है। तो सब चीज़ लाने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, ठीक है, बातें क्लियर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कॉट हटाने के लिए आप क्या करोगे, कॉट इनवर्स इधर लगाओगे, कॉट इनवर्स इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स इजक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो अब यहाँ पर वाई लिया है ना, क्योंकि टेन वाई है ना, समझिए बात को, कॉट 90 माइनस वाई तभी तो होगा टेन वाई, ठीक है, यहाँ पर वाई हो गया। अब फाइनली ये इम्प्लाइज क्या करेगा, कि ये वाली वैल्यू वाई किधर आ जाएगी, तो वाई क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ये था, मैंने इसी को लेट किया था, ठीक है। तो वाई इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई इजक्वल टू पाई बाई टू, वाई की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स
इक्वल टू पाई बाई टू ग्रुप्स। ठीक है, तो मेन चीज़ है बातें समझना है कि आप बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो जो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो फार्मूले में ढूंढते हैं और उसको यहाँ पर लाकर लगा देते हैं। ठीक है, तो सब वही आइडिया। अब इसको आप देखो, ये थर्ड वाला आप इसको खुद कर सकते हो। इसमें भी क्या करना, इसको आप क्या करोगे मालूम है, वाई लेट करोगे, लेट कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ से कॉसेक हटाने के लिए लगाओगे इधर कॉसेक। ठीक है, कॉसेक वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, कॉसेक क्या सेक से रिलेशन होता है, आप कहते हैं सेक 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, ये पढ़े होगे। ठीक है, उसी का हम यहाँ पर यूज कर देंगे, सेक 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। ठीक है, जिसको लाना है भाई उसी को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर, ये आप सेल्फ करिएगा खुद। ठीक है, बातें समझ गए। तो भाई प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, हमें ये शो करना है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स इंटू वाई। और यहाँ पर क्या है, एक्स वाई की वैल्यू लेस देन वन है, यानी वन से वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये छोटी होने का मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू निगेटिव लेंगे तब भी छोटी हो सकती है, या एक्स की वैल्यू आप वन बाई टू ले लो। ठीक है, या वाई की वैल्यू वन बाई थर्ड ले लो तो छोटी आएगी। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ये जो पूरा है ना आपका टेन इनवर्स एक्स, तो आप इसको एक बार थीटा मान लो, क्या मान लो कह रहे बच्चों, थीटा। ठीक है, लेट। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा, क्यों आएगा समझ रहे हो, इनवर्स हटाना है तो टेन इधर लगाइए, टेन इधर टेन थीटा। ठीक है, अब इसी तरह जो ये दूसरा वाला है, यानी टेन इनवर्स वाई, इसको फाइव मान लीजिए, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन फाइव। ठीक है, अब एक चीज़ आप फार्मूला पढ़े होगा, थोड़ा मोड़ा याद होगा तो बता सकते हो, टेन ए प्लस बी का फार्मूला आपको याद होगा, टेन ए प्लस बी, ए थीटा है, बी क्या है, फाइव है, तो टेन ए प्लस टेन बी अपन एक माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। ठीक है, तो टेन ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों, एक्स, दिख रहा है ना भाई, टेन थीटा एक्स के बराबर है, एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। इतनी बातें आप समझ रहे हो क्यों रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से मुझे टेन हटाना है, जैसे ही मैं टेन हटाऊंगा तो टेन इनवर्स, टेन हटाओगे तो टेन इनवर्स इधर लगाओगे, टेन इनवर्स इधर, तो इस टेन को हटाने के लिए आप टेन इनवर्स इधर लगाओगे तो बचेगा क्या, थीटा प्लस फाइव, और यहाँ पे एक टेन इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब आप एक देखोगे चीज़ फाइनली, कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हमने माना था, टेन इनवर्स एक्स, तो आप यहाँ पर रख सकते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। ठीक है, तो मेन पॉइंट समझना जरूरी है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो थीटा टेन इनवर्स हो गया फाइव टेन वाई। ठीक है, तो जनरली आप जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए सब में हम लेट ही कर रहे थे, लेट करके रिलेशन को कुछ पैदा कर रहे थे या प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, तो फाइनली आपका ये हो गया, और ये मेन पॉइंट से याद रखिएगा, एक्स वाई इज लेस देन वन। ठीक है, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए होगा टेन के। ठीक है, टेन इनवर्स के। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा। ठीक है, अब आपको इसको इसके बराबर दिखाना है, लेकिन अब एक्स वाई की वैल्यू क्या है, माइनस वन से बड़ी है। ठीक है, माइनस वन से बड़ी है। ठीक है, आपको इसमें करना पड़ेगा, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ये समझ रहे हो आप कैसे हुआ। इसी तरह टेन इनवर्स वाई इक्वल टू फाइव, तो वाई की वैल्यू टेन फाइव, ये भी समझ रहे हो। ठीक है, अब माँ जी क्या मालूम है कि मैं एक पढ़ा था टेन ए माइनस बी, क्या होता है पहले बच्चों, टेन ए माइनस टेन बी अपन एक प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये चीज़ें आप पढ़े होगे। ठीक है भाई, ए थीटा है, बी क्या है, फाई है, उसी फार्मूले को हम वेरिएबल है ना भाई, ए और बी, ए को मैंने थीटा माना, बी को फाई, फार्मूला वही होगा सेम। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो क्या करना है, तो टेन थीटा की जगह पर क्या रख दो, एक्स माइनस वाई एक प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा माइनस फाइव। ठीक है, यहाँ से टेन हटाना है तो क्या लगाओगे, टेन इनवर्स, जैसे ही आप हटाओगे तो क्या होगा, थीटा माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन वन प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है तो आप रख दीजिए, अब फाई की वैल्यू क्या रख दीजिए प्यारे बच्चों, टेन इनवर्स माइनस वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन एक्स प्लस। ठीक है,
तो आप इतनी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, अपने दिमाग से। पहले वाला ही तरीका था, यहाँ पर लेट करते हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, अगर इसको आपको करना है, 2 tan inverse x = sin inverse 2x / 1 + x² और x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 1 से छोटी है और 1 के बराबर है। अब कोई बोलेगा माइनस 1 होगा, होगा भाई, क्योंकि इसके अंदर माइनस 1 रखोगे तो 1 के बराबर तो होगा ही, तो माइनस वाला भी पार्ट होगा, ठीक है। आप इसको याद रखिए, मॉड है, मॉड के अंदर हम निगेटिव रखते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई लेट, ठीक है, लेट किया हमने, एक्स की जगह पर क्या आ गया, टेन वाई, ठीक है, बातें क्लियर। अब ये तो भाई एल एच एस से हमने ये लेट करके ले लिया, अब आते हैं थोड़ा आर एच एस पे, फ्रॉम आर एच एस यानी राइट हैंड साइड। देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट वाला, इधर वाला, ठीक है। तो साइन इनवर्स टू एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, टेन वाई, तो यहाँ पर टेन वाई लिखते जाओ, 2 tan y / 1 + tan²y, ठीक है, इतनी बातें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। अब आप एक चीज़ पढ़ोगे, साइन 2θ, याद है कुछ, साइन 2θ क्लास 11th में होगा, साइन 2θ इज इक्वल 2 tan θ / 1 + tan²θ, ये कैसे आता था ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो साइन 2θ की वैल्यू क्या होती थी, 2 sin θ × cos θ, ये होती है। हम इसको नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 लिख सकते हैं, तो इस 1 के नीचे हम क्या बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बराबर है, ऐसे ही कुछ प्रूफ था। अब हम यहाँ से 10 लाना है तो कॉस से सबको डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो फाइनली ये आपका फार्मूला आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आप इसको 11th में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन 2y के बराबर, क्योंकि एंगल तो वाई हो गया ना, 2y, क्योंकि देखो थीटा था तो थीटा था, अब वाई हो गया है तो यहाँ पर भी क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। तो अब साइन से साइन क्या होगा गायब, तो 2y हो गया, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2y, तो 2y इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan inverse x, ठीक है, यानी 2y की, ठीक है, 2y हो गया, ठीक है। तो 2y का मतलब क्या होता है, y की जगह हम 10 इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इधर वाली चीज़ें किसके बराबर होगी, यानी आर एच एस वाला इसके बराबर हो गया कि नहीं, एल एच एस के बराबर, ठीक है। तब बोल सकते हो कि आर एच एस इक्वल टू एल एच एस फार्मूले से, ठीक है, ठीक है, समझ गया ना, ये आर एच एस इस एल एच एस के बराबर हो गया, तो बोल सकते हो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको तो इतना दिखाई दिया ना इसके बराबर, तो हो गया बात बन गया, ठीक है। बस ये पॉइंट कैसे शो करेंगे, ठीक है, इसके बराबर। तो देखो यहाँ पर वही कहानी होगी, 10 inverse x को क्या मानेंगे हम, वाई मानेंगे लेट एल एच एस वाले को, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 10y, ठीक है। अब आ जाते हैं आर एच एस पे, कहाँ पे, फ्रॉम आर एच एस या बाई आर एच एस यानी आर एच एस से, यहाँ पर बोल सकते हो cos इनवर्स है 1 - x की जगह पर 10y लिखो, 10²y + 10²y, ठीक है। तो आप एक चीज़ पढ़ोगे, ये भी क्लास 11th में टॉपिक था, कि cos 2θ इज इक्वल टू 1 - tan²θ / 1 + tan²θ, ये कैसे आता था आपको जानकारी होगा, ठीक है, उससे एक बार आप देख लीजिएगा 11th में कैसे डिराइव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, cos inverse cos 2y, ठीक है। तो ये भाई दोनों गायब हो जाएंगे, तो फाइनली बचेगा क्या, 2y, यही तो बचेगा। तो 2y, y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 inverse x, तो ये इम्प्लाई क्या कर देगा, 2 tan inverse x, ठीक है, मतलब कि ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। तो आप देखोगे कि ये वाला चीज़ सीधे इसके बराबर हो गया, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, प्रूफ हो गया, मैंने हमने शो कर दिया। तो इसको मानना भी तो ज़रूरी था, ठीक है, इस आइडिया में लगा, ठीक है। तो बातें समझ रहे हो, बहुत सिंपल था, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, आप देखो x की वैल्यू चेंज हो गई, माइनस 1 से 1 के बीच के लिए ये फार्मूला आ गया। अभी इसके पहले जो दो शो किए थे ना, उस पर x की वैल्यू थोड़ी अलग थी, ठीक है। अब इस पर देखो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 से थोड़ा बड़ा और 1 से छोटा हो, 1 के बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो आपसे अलग अलग जगह अलग अलग फार्मूले का यूज भी आना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ होगा, किस जगह, x की किस वैल्यू के लिए होगा, ठीक है। अब कैसे शो करेंगे प्यारे बच्चों, तो याद रखो 10 inverse x हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10y फ्रॉम एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड से ही हो गया, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉम आर एच एस यानी राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, कि जो आपका 10 inverse 2x, x की जगह पे क्या लिख सकते हो, 10y,
टेन वाई अपन एक प्लस टेन स्क्वायर वाई, क्योंकि सॉरी एक माइनस टेन स्क्वायर वाई, ठीक है, बातें क्लियर, एक माइनस टेन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब आप एक फार्मूला पढ़े हुए उसको याद करिए, टेन ब्रैकेट में ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपन एक माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये क्लास अलेवंथ में होगा, इसका प्रूफ भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की जगह इन्होंने क्या कर दिया, वाई लिख दिया, तो ये फाइनली बन क्या गया है, टेन टू वाई बन गया है, तो यहाँ पर भी वाई हो जाएगा टेन वाई टेन वाई, तो फाइनली ये कैसा दिखेगा, टू टेन वाई अपान एक माइनस टेन स्क्वायर वाई के बराबर दिखेगा। तो यहाँ पर चीज़ें देखो सेम वही है, तो फाइनली इसको बोल क्या दोगे, टेन टू वाई टेन इनवर्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें तो गायब हो जाएंगी, तो बचेगा फाइनली टू वाई। अब वाई की वैल्यू क्या इन्होंने बोला है, टेन इनवर्स एक्स के बराबर हमने लेट किया था, तो वाई इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो फाइनली ये आपका क्या आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो बातें क्लियर, अब समझ गए कैसे हम प्रूव करते हैं। अब ये मेन पॉइंट था कि एक्स की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये मेन क्रिटिकल पॉइंट है। और सभी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए था, प्रिंसिपल वैल्यू होता है कि आप जान रहे हो, अगर नहीं जान रहे हो तो इससे पहले वाला वीडियो देखो और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।